Good afternoon and a warm welcome to everyone. On behalf of Nehru Planetarium, Nehru Memorial Museum and Library, I welcome you all for this talk today. We will be talking about and discussing what's in the sky. So astronomy enthusiasts are always curious to know these questions. Is the sky different in winter? What all astronomical events we can see, and more detail and explanation about them. To share more depth understanding of these phenomena, we have with us Shri Rahul Agarwal, science communicator, astronomer, and former director of Science Teen Education Private Limited. Mr. Agarwal completed his graduation and post-graduation from the Department of Physics and Astrophysics, University of Delhi. He is also an instructor in general relativity in the Relativity Reboot course organized by RAD Citizen Science India. Presently, he's working as independent physics teacher for CSIR NET, IIT JAM, JEE, and BSc and MSc student. So this is second talk we have organized with Rahul sir, and we really look forward to have detailed explanation of the topic. So Planetarium, welcome you, sir. And we all are delighted to know more much detail what winter sky have. Thank you, ma'am. Thank you, Prerna, ma'am. So welcome to all of you. Today's topic of our talk is what is in the sky? Winter constellation. I am Rahul Agarwal. I consider myself as a learner and researcher for theoretical physics. And for this talk, especially, I'm inspired by late Dr. Nandivi Ratnashri and Ratnashri ma'am, the former director of Nehru Planetarium, and my teacher, Patrick Das Gupta, sir. So, ma'am, Ratnashri or Patrick Das Gupta, sir, से मैं बहुत ज़्यादा inspired रहा हूँ और अभी भी inspired होता हूँ. तो उन्हीं की memory में ये मैं talk just उन्हीं को मैं समर्पित करता हूँ एक तरीके से. So, let's start the talk. So what is a constellation? पहला हमारा ये question होता है कि constellation है क्या? तो I hope my screen is visible to all of you. Yes sir, आपकी screen visible है sir. आप इसको full screen पे कर लीजिए, because ये भी slide form है, आप full screen कर लीजिए. एक Just a minute. Hey, sure. स्लाइड शो पे कर लीजिए सर, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम ऐसे भी हम देख पा रहे हैं. अच्छा, अब आ रहा है क्या? हाँ. जस्ट ए मिनट, एक मिनट.
एक मिनट, ये पता नहीं, जस्ट अ मिनट, नो प्रॉब्लम सर, आप हम इसी से कोई नो प्रॉब्लम हम इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कर लीजिए, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। Okay, so sorry with this technical issue. Let's start our today's talk. हम बात करेंगे आज विंटर कॉन्स्टिलेशन की. सो दिस टॉक इज स्पेशली इंस्पायर्ड बाई डॉक्टर रत्नाश्री मैम, और उन्हीं की मेमोरी में उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के मैं ये टॉक दे रहा हूँ आज. सो मैम के बारे में जानने के लिए आप लोग गूगल कर सकते हैं, नेहरू प्लेनेटोरियम की वेबसाइट पे जा सकते हैं आप, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि मैम कैसे सभी को मोटिवेट करती थी और करती हैं अभी भी है? हमारी मेमोरीज में. तो हमारा पहले क्वेश्चन ये होता है कि बच्चों, कॉन्सिलेशन होता क्या है, किसे कहते हैं कॉन्सिलेशन, व्हाट इज ए कॉन्सिलेशन. तो आप लोगों ने सुना होगा कॉन्सिलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टार कहलाता है कॉन्सिलेशन. आई थिंक देयर इज ए टाइम लैग बिटवीन माय स्क्रीन एंड माय वॉइस, इज इट दिस? नो सर, टाइम पे सुन पा रहे हैं सर. ओके थैंक्स. तो सभी ने आप लोगों ने कॉन्स्टिलेशन के बारे में सुना होगा, और स्काई मैप्स, बहुत सारे फेमस कॉन्स्टिलेशन हैं जैसे कि ओरियन, जैसे कि ऊर्जा मेजर, ऊर्जा माइनर, बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन के बारे में बच्चे लोगों ने सुना. सो कॉन्स्टिलेशन इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ स्टार, एक स्टार का ग्रुप, एक पैटर्न आपको स्काई में दिखता है जिसको हमें कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. जैसे ही आपको इस स्क्रीन पर इस फोटो में भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार दिख रहे होंगे, इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. हर महीने जो स्पेस में पैटर्न दिखता है स्टार्स का, कुछ पैटर्न तो सेम रहता है और कुछ कुछ पैटर्न जो है चेंज होता रहता है मंथ वाइज. ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे धरती जो है, अगर हम समझें तो धरती का दो पार्ट है, एक तो नॉर्थ की साइड जो लोग रहते हैं इक्वेटर से, और एक जो साउथ की साइड रहते हैं. जैसे कि सभी जानते हैं कि धरती जो है पूरी गोल है. सो डेफिनेटली जो लोग नॉर्थ की साइड रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिखता है, साउथ वालों को साउदर्न हेमिस्फीयर दिखता है. कुछ फेमस कॉन्स्टिलेशन हैं, जैसे कि मैंने बोला भी ओरियन, ये फेमस कॉन्स्टिलेशन है जो कि खंडर की तरह दिखाई देता है, ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा फेमस है, और इट इज मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिलेशन. दूसरा एक और अच्छा इसमें जो स्टार है वो है बीटलगीज, है ना. बीटलगीज एक स्टार है जिसे आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, और बहुत ज्यादा चमकीला स्टार है. इवन हिंदू माइथोलॉजी में इसे
Adra Nakshatra naam diya gaya hai. It is related to the Lord Shiva in some stories. Ursa Major bhi jo hai bahut zyada famous star hai. Ursa Major ko Big Bear bhi bolte hain hum log. और इसका एक पार्ट है पोल स्टार हमारा, जिसे आप ध्रुव तारा कहते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस देखते हैं. और जैसे कि देखते हैं कि स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेलेशन जो दिखता है हमें वो क्रक्स है, और जो लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन दिखता है वो हाइड्रा है. नॉर्दर्न विंटर कॉन्स्टेलेशन की बात करें हम, जैसे अभी नॉर्दर्न विंटर है, तो इसमें जो मेन कॉन्स्टेलेशन है वो है ओरिका, कैनिस माइनर, कैनिस मेजर, कैरिना, एरिडनस, जैमिनी, मोनोसेरस, ओरियन एंड टॉरस. सो दे आर टू मेजर ट्रेंगल एंड द पैटर्न ऑफ द स्टार्स, विंटर ट्रेंगल एंड द विंटर हेक्सागन. ब्राइट स्टार्स की बात करें तो कैनिस मेजर में सीरियस है और ट्रॉकियन है. और हम विंटर ट्रायंगल की बात करें तो इसके अंदर बीटलगीज है, ओरियन जो हमारा कॉन्स्टेलेशन है उसके अंदर, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि बीटलगीज एक बहुत ही फेमस स्टार है. विंटर हेक्सागन जो है वो टोटली 7 स्टार से मिलकर बना है, जिसमें सीरियस है, रॉकियन है, कैस्टर है, पॉलक्स है, जैमिनी है, कैपला है, अल्डेबारन है, टॉरस एंड रिगल है, ओरियन. तो ज्यादातर जो बात करेंगे इस टॉक में हम, वो बीटलगीज और सीरियस की बात करेंगे और कुछ स्टोरीज की भी बात करेंगे, ताकि आप लोग समझ जाएं, है ना. थोड़ा टेक्निकल रहेगी टॉक, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल हमारी टॉक नहीं रहेगी. सो इट इज बेसिकली फॉर द कॉमन पीपल. सो ये होता है कि कॉन्स्टेलेशंस का क्या कोई यूज है, कि हम हमेशा जो है इंसान हर चीज को यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. So they help people find their way at night. पुराने समय में लोगों को उनका रास्ता दिखाने के बहुत ज्यादा काम आते थे ये ना, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ही क्लियर हो जाती है. जैसे कि अब पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में ही विजिबल होता है, तो पता चल जाता है ओके जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन. To travel across the ocean, help our ancestors make calendars. Calendars भी बनाते हैं. अगर calendars की आप पूरी history देखें तो आपको पता चलेगा ये सारा star पर based है. Star पे, हमारे system पे generally दो calendar मिलते हैं, moon based calendar और sun based calendar. हिंदू वर्शिप 7 स्टार्स इन द उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन एवरी डे. दे आर कंसीडर सप्त ऋषि. तो जनरली देखिए भारतवर्ष में जो है सप्त ऋषि की पूजा होती है. दीज आर द 7 स्टार्स इन द उर्सा मेजर. ब्राह्मिन वर्शिप देम एवरी डे इन द सांध्या रिचुअल्स 3 टाइम्स ए डे. अरुंधति जिसे कि हम स्टार एल्कर कहते हैं, और जनरली ये बहुत जगह ट्रेडिशन है दैट न्यूली मैरिड कपल जस्ट सी बिफोर एंटरिंग द फर्स्ट नाइट द रूम. तमिल संगम लिटरेचर में बात करें तो इसमें 7 स्टार्स की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है. काई ताजू एजुअर. और साउदर्न स्काई में देखें तो कैनोपस जो है, जिसे हम अगस्त्य स्टार भी कहते हैं. तो हिंदू माइथोलॉजी में अगस्त्य बोला गया है, और यहाँ पे जो मॉडर्न नेम है वो कैनोपस है. त्रिशंकु, आप सभी लोगों ने त्रिशंकु की बहुत कहानी सुनी होगी, नहीं तो आप अपने दादा दादी या कहीं से भी सुन सकते हैं. तो बहुत ही फेमस कहानी है त्रिशंकु की. तो ये साउदर्न स्टार कॉन्स्टेलेशन है. और ध्रुव की कहानी हम यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, विच इज द पोल स्टार इन द नॉर्दर्न स्काई आर वर्शिप बाय द हिंदूज. आद्रा जैसे मैंने कहा, ओरियन कॉन्स्टेलेशन में आद्रा, औद्रा या अरुद्रा जो बोल रहे हैं, अरुद्रा, रुद्र फॉर शिवा,
It is English name is a Betelgeuse. It is identified with the Lord Shiva. So it is a map, it is a common map. There are so many constellation maps in the southern hemisphere, in the northern hemisphere. The best way to see the stars and the constellation, go to the Stellarium. एक software होता है Stellarium. मैं try करूँगा कि आपको दिखा सकूँ. अगर आप उस जाएंगे तो आपको बहुत सारा उस पे patterns, constellations दिखाई देंगे, है ना. तो सर आपका स्लाइड चेंज नहीं हुआ. They really are amazing constellations. So totally 88 constellation जो हमें दिखाई देते हैं, बट उससे भी ज़्यादा हैं. तो कई बार constellations जो हैं जो आपको दिख रहे हैं, हो सकता है कि वो भी find out ही नहीं हुए हैं. तो अगली बार जब आप रात को आकाश में कोई constellation देखें तो जरूर check करें कि क्या इसका नाम आपको पता है. कैन यू आइडेंटिफाई, हो सकता है कोई आप नया कॉन्स्टेलेशन ही ढूंढ लें किसी टेलीस्कोप से. तो यहाँ पे कुछ नाम बता रहा हूँ मैं कॉन्स्टेलेशन के. सो लाइरा है जो कि बहुत इजीली स्पॉट किया जा सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे स्टार जो हैं बहुत ही ज़्यादा ब्राइट नहीं हैं. इसके अंदर वेगा है जो बहुत ही इजीली स्पॉट कर सकते हो. वेगा बहुत ही स्पेशल स्टार है जो अर्थ से लगभग 26 लाइट ईयर दूर है, और ये हमारा नेक्स्ट पोल स्टार होगा वेगा. तो एक बहुत ही फेमस मूवी है, अगर मैं बोलूं तो 1970 के दौरान, किसे नाम है कॉन्टैक्ट. तो आप कॉन्टैक्ट मूवी अगर देखेंगे तो उसके अंदर दिखाया गया है वेगा की तरफ जर्नी दिखाई गई है. उसके अंदर जो हीरोइन है वो वेगा तक जर्नी करती है ना. 26 लाइट ईयर का मतलब है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम द वेगा इन 26 ईयर. सो अगर आप लाइट की स्पीड से चलेंगे सो इट विल टेक ऑलमोस्ट 26 ईयर टू रीच द वेगा. सो इट इज द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन लेट इवनिंग स्टार. सिग्नस है, इट इज वेरी इजी टू प्लॉट. वंस यू फाउंड वेगा गो नॉर्थ. नॉर्थ सिर्फ आप देखें तो आपको क्या दिखेगा, तीन स्टार दिखेंगे आपको एक सिंगल लाइन में जो टी की शेप बना रहे होंगे. वहीं से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, ऐसे ही एक्विला है. वेगा से आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको एक्विला दिखेगा. अल्ताइर है, ये 12th ब्राइटेस्ट स्टार है एक्विला कॉन्स्टेलेशन के अंदर ही. एक्विला कॉन्स्टेलेशन के अंदर अल्ताइर एक बहुत ही फेमस ब्राइट स्टार है. एक्चुअली अल्ताइर और वेगा जो है ये एक तरह का फिक्स्ड एंगल बनाते हैं. क्या स्लाइड स्टक हो रही हैं? फ्यू पीपल्स आर सेइंग दैट स्लाइड जो है स्टक हो रही हैं. इज इट दैट? ओके, लेट्स सी. सो कैसियोपिया है, आपने सुना होगा कैसियोपिया की कहानी जो है. कैसियोपिया की लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में कहानी भी आती है जिसे क्यून थी ये. तो ये एक बहुत ही अच्छा इजीएस्ट कॉन्स्टेलेशन है ढूंढने के लिए, प्लॉट करने के लिए. सर आई थिंक स्लाइड्स आर गेटिंग स्टक. आप कौन सी स्लाइड पे हैं? हम स्लाइड नंबर 12 चल रहा है अभी स्क्रीन पर. स्टक हो रही है, एक मिनट में चेक कर रहा हूं मैं. तो 7th पे हूं मैं तो ना अभी. अच्छा, मैप्स पे कॉन्स्टेलेशंस, ये इंटरनेट का इशू नहीं है? मे बी, पर आप फेमस कॉन्स्टेलेशंस पे हैं
नहीं, उससे पहले इस सेवन उसके बाद में, उसके बाद में फेमस कॉन्स्टेलेशंस के बाद है. व्हाट कैन वी सी नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट. हाउ आर यूजफुल मैप्स, उससे भी नेक्स्ट में. कॉन्स्टेलेशन दे रियली आर अमेजिंग. कॉन्स्टेलेशन दे आर अमेजिंग. यस ठीक. हाँ यहीं पे, यहीं पे. तो ये सारे कॉन्स्टेलेशंस के बारे में डिस्कशन जो किया, तो इन द इवनिंग लुक स्ट्रेट अबव योर हेड, फाइंड फोर स्टार फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल एंड देन कनेक्ट द अदर स्मॉल स्टार विद अ वर्टिसेस. यू विल आल्सो फाइंड अ ब्राइट स्टार फॉर्मिंग अ हेड ऑफ द पेगासस एंड दिस स्टार इज एन. Only a single star can be seen normally. Look for Mars in the southern sky. और आप spot कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल orange color का दिखाई देता है. और अगर आप move करते हैं east towards the horizon, you can see a single bright star. This is the formal hot, the brightest star of this constellation. पूरा. इसके अलावा Draco है. वेगा के बाद आप ड्रैको को प्लॉट कर सकते हैं. थोड़ा सा आपको राइट चलना होगा हॉरिजन की तरफ. उर्सा माइनर तो सभी लोग स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जो स्काई है वो साफ चाहिए. और इसके अंदर जो सिर्फ आपको पोलरीज ही जो है पोल स्टार ही दिखाई देता है नॉर्थ की तरफ. ठीक है, आप दिखाई दे रहे हैं ना साफ सभी को ये? जी. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इंटरनेट चेक करता हूं दोबारा से. नहीं, आई थिंक अभी हम स्लाइड नंबर 9 पर हैं और सब देख पा रहे हैं. ठीक है, थैंक यू. तो द सिंगल ब्राइट स्टार यू कैन सी इज द पोलरीज एंड देयर आर वेज टू पुल अप प्लॉट इट. द फेमस वन बीइंग यूजिंग दुबे एंड मेरक ऑफ बीप डीप एंड्रोमीडा from Cassiopeia move further right, you will see three stars in a single line and another at an angle of 120. This is Andromeda. Okay, and notice factor in a mirage the brightest star in Andromeda. Andromeda is a galaxy. The technical name is M11. Aries 6 to 7 के बीच में शाम को आपको east में दिख जाएगा and you will find out two stars together just like in Aquila. लेकिन थोड़े से दूरी पे होते हैं और बाकी जो इसके स्टार्स हैं वो विजिबल नहीं होते. 8 बजे के बाद आप देखेंगे तो आपको इसे हेड के ऊपर आपको ये दिखाई दे. तो इस सीजन में हम देखें तो आपको टॉरस दिखाई देता है. टॉरस जो है अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वृषभ जो राशि है, अगर एस्ट्रोलॉजी वालों से बात करेंगे तो आप कहेंगे वृषभ राशि. आप लोगों ने सुना होगा मेरा टॉरस है. सो दैट इज द टॉरस कॉन्स्टेलेशन. ओके, यू कैन सी इट ओनली आफ्टर 6 PM. इट इज विजिबल बिफोर दैट बट ड्यू टू बीइंग नियर द हॉरिजन इट कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट टू एक्चुअली प्लॉट इट. तो आपको इसके अंदर एक ब्राइट रेड स्टार दिखाई देगा. ये 14वां ब्राइट स्टार है एंड इसका नाम है अल्दीबरान. अल्दीबरन जो स्टार है हिंदी में इसे रोहिणी नक्षत्र नाम दिया गया है ना. हम बोलते हैं यहाँ पे अल्दीबरन और वैसे ही रोहिणी नक्षत्र कहलाता है. तो आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं. कैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको बहुत बार सुनते हैं अपने घरों में पंडितों के मुंह से. भारतीय परंपराओं में बहुत ज्यादा सुना होगा है ना कि इस व्यक्ति का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है ना. तो नक्षत्र कुछ और नहीं है, यही है पैटर्न, ये स्टार्स, यही है नक्षत्र जो है. तो अल्दीबरन जो कि टॉरस में है वो रोहिणी नक्षत्र है इन हिंदी. लुक स्ट्रेट अप फ्रॉम अल्दीबरन एंड यू कैन सी ए स्टार क्लस्टर विद एन एट आई. यू कैन सी 3 or 4 फेंट स्टार इन एन एरिया ऑल ग्रुप टुगेदर एंड दिस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल यू कैन सी इन द वर्ल्ड ऑफ द एस्ट्रोनॉमी.
प्लियाड्स जो है जिसे हिंदी में बोलते हैं कृतिका नक्षत्र, दानोदर स्टार विच इज इजिली विजिबल इन अ टॉरस, ओके 28th ब्राइटेस्ट स्टार, अदर स्टार्स कैन बी प्लॉटेड इन दिस गुड स्काई। तो ये सारे नक्षत्र जो है आपको ये सारे कॉन्स्टेलेशंस अभी विजिबल होंगे, है ना, क्यों होंगे मैं इस बारे में बात करूंगा। ओरिगा की बात करें, स्पॉट एल्डिबरन एंड ओरिगा इज ए पीस ऑफ ए केक, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, देखिए ये जो बता रहे हैं फाइंड आउट करने का तरीका, ये एस्ट्रोनॉमी का तरीका है। तो ये कुछ कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आप लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी की ट्रेनिंग लेंगे, आप हमेशा आते रहेंगे अगर नेहरू प्लेनेटेरियम के टॉक्स में, तो आपको कुछ टेक्निकल स्टॉक मिलेंगी, कभी कभी आप प्लेनेटेरियम आएंगे वहाँ देखेंगे आकर के, तो आपको पता चलेगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो कुछ बातें तो बहुत ही लेमैन के लिए हैं, बहुत सामान्य बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ जगह जगह आपको टेक्निकल टर्म्स समझ में नहीं आ रही होगी, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कोरिलेट। ओके, तो draw a line parallel to the horizon from the aldebaran to the left, it will meet or just pass near a very bright star, this is the Kepler, the sixth brightest star in the night sky and also the brightest member of the Auriga. Okay, similarly Grus, 6 pm look directly south, elevation much lower than the formal hot, you can see a star, it will be a fainter compared to the Mars and formal hot, but bright enough to rank 31st. This is the Alnayar, bright star of the Grus. Other stars are not so bright, but can be plotted if there is a good sky. Orion, जो बहुत famous है, बार-बार Orion की बात करते हैं। Orion, है ना, hunter. So जिसे Arudra और Arudra नक्षत्र भी बोलते हैं, Arudra. It comes much earlier, but it is after 8. That you can easily plot it. हम ओरियन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। मिंटा का, there are so many, है ना, constellation. बिटलगीज, ओरियन के अंदर बिटलगीज की बात करते हैं, 10th brightest star है, बेलैट्रिक्स है ना, रीगल है, लैपस है, so find sepia of Orion and go right down if you have a good sky, you can see a bunch of star, that is a Lapis. Cetus है ना, evening में दिखाई देता है, only 2 or 3 star can be seen but in a good sky, and you can plot the other stars also. It is a big constellation, covers from east to south, from Mars and the formal hot. Okay, अच्छा ये अगर आपको देखने हैं तो आप Stellarium नाम का एक software जो है अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं, मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको एक मिनट के लिए वो सॉफ्टवेयर। जेमिनी, है ना, जेमिनी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना, कहते हैं मिथुन राशि, वही है जेमिनी। फ्रॉम ओरियन लुक लेफ्ट एंड लिटिल डाउन यू विल सी दिस, दे आर द मेन स्टार्स ऑफ द Pollux is the main star of the Gemini. Elhena can also be plotted. Cancer, जिसे कर्क राशि बोलते हैं हम हिंदी में, है ना, वो भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना, इस सीजन में दिख जाती है लेट नाइट में। लियो, ये सब हैं हिंदी में, आप सब लोग जानते हैं ना, सिंह राशि बोलते हैं। बुटीज, देयर आर सो मेनी बुटीज, अल्फा सेंचुरी इज वन ऑफ द बुटीज, और ये सन के बाद में नियरेस्ट स्टार है। विर्गो, कैनिस मेजर, बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस हैं। तो एक छोटा सा मैप यहाँ पे विजिबल है, हम आप देखें तो एक सिंपल मैप दिखाने की कोशिश की है इस नेक्स्ट पेज पे हमने, जिसमें वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ साउथ यहाँ पे दिखाई जा रहा है। ओके, आप देख सकते हैं इस नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं एक और,
आपको दिखाई दे रहा होगा आपको ये। तो इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न आपको दिख रहे होंगे, जो जो मैंने नाम बोले आपको ये सारे पैटर्न यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप देखें तो मैंने कैसोपिया का नाम बोला था, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ना जैमिनी, कैंसर, टॉरस, ओरियन, ये आपको सभी दिखेगा अगर आप देखेंगे इसके। तो ये जो पैटर्न है ये आप स्काई में फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी, अगर आप अच्छी जगह हिल स्टेरिया हिल एरिया में जाएंगे आप, तो आपको बहुत आसानी से ये पैटर्न दिख जाएंगे। अच्छा, हम ये बात आज ही क्यों कर रहे हैं, इसका एक पीछे रीजन है, आप देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे। तो कल जो है बात करेंगे, तो कल जो है विंटर सोलस्टिस स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सोलस्टिस क्या है, ये एक इवेंट है दैट अकर व्हेन द सन अपीयर्स टू रीच इट्स मोस्ट नॉर्दर्ली और द साउदर्ली। तो जो सन है हमारा, जो सन के अराउंड में अर्थ रोटेट कर रही है, आता है कि जब अर्थ जो है सबसे दूर होती है सन से, सो वो टाइम जो है वो सोलस्टिस कहलाता है। द अर्थ ऑर्बिट द सन वंस एवरी 365.242 डेज एंड इट इज अ टाइम पीरियड ओवर विच द साइकिल ऑफ सोलस्टिस एंड इक्विनॉक्स एंड कंसिक्वेंटली ऑल द अर्थ सीजन रिपीट फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट। तो दो सोलस्टिस होते हैं, जैसे कि जून 21 है, दिसंबर 21, रफली अराउंड 21 के आसपास ही होता है। इन मेनी कंट्रीज द सीजन ऑफ द ईयर आर डिटरमाइंड बाय द सोलस्टिस एंड द इक्विनॉक्सेस। सो सोलस्टिस जो है, जो हम बहुत ही ब्रॉडर सेंस में यूज करते हैं, सो द डे ऑफ सोलस्टिस इन आइदर हेमिस्फीयर हैज आइदर द मोस्ट सनलाइट ऑफ द ईयर और द लीस्ट सनलाइट ऑफ द ईयर। तो विंटर सोलस्टिस सबसे छोटा हो जाता है, सबसे कम छोटा होता है, और समर वाला सबसे बड़ा हो जाता है, एनी प्लेस अदर देन द इक्वेटर। सो इसके अलावा कुछ और नाम भी हम यूज कर लेते हैं इनमें, कई बार लोग जून सोलस्टिस और दिसंबर सोलस्टिस भी रेफर कर देते हैं, क्योंकि तो दो सोलस्टिस होते हैं। तो जो सोलस्टिस की बात कर रहे हैं, ये हमारा लेटिन वर्ड सोल और सिस्टर से मिलकर बना है, सन टू स्टैंड स्टिल, बिकॉज एट द सोलस्टिस द सन डिक्लाइन अपीयर्स टू स्टैंड स्टिल एंड दैट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ द सन डेली एज सीन फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे कुछ टाइम दिखाया गया हमने नेक्स्ट स्लाइड में कि किस किस टाइम पे जो सोलस्टिस हुआ है। ये इंडिया में लुधियाना का है, ये टाइमिंग जो है वो लुधियाना का दिखाया गया है। तो आप देखें 2017 में 21 दिसंबर को हुआ था जो स्टार्ट, जो 21 दिसंबर 2153 IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। 2018 में देखेंगे तो 22 दिसंबर दिखा रहा है, 19 में 22 दिसंबर, 20 में 21 दिसंबर, 21 में 21 दिसंबर, 22 में, यानी कि इस साल हम देखें तो एक्चुअली 21 दिसंबर की रात को होगा और 22 दिसंबर की सुबह होगा। तो ये हमारा विंटर सोलस्टिस है, है ना। 23 में कब होगा, 24 में कब होगा, 25 में कब होगा, ये भी आपको यहाँ पे विजिबल है ना। ये लुधियाना का है जो डाटा है, तो यहाँ पे देखेंगे आप इस स्लाइड में, आपको देखेगा नेक्स्ट स्लाइड में कैसे विंटर और समर सोलस्टिस में जो है धरती जो है सन से सबसे ज्यादा दूर है, क्योंकि अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है अराउंड द सन। इट्स फ्रॉम द कैपलर्स लॉ, कैपलर्स जो प्लेनेटरी मोशन के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होगा कि सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थ जो है सबसे ज्यादा दूर है सन से, ओके, और इक्विनॉक्स के समय जो है ये सबसे नियर है। तो ये हमने बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया है, एक रफ डायग्राम है ही, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो क्या है कि जब भी आप एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करेंगे तब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका रेफरेंस फ्रेम क्या है, आप अपने स्टार की स्टडी किस रेफरेंस फ्रेम में कर रहे हैं।
तो जैसे ही जब भी आप जैसे टेक्निकल पढ़ाई करेंगे एस्ट्रोनॉमी की, तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी, कैसे जब भी किसी टेलीस्कोप से आप देखते हैं किसी भी स्टार को या कॉन्स्टेलेशन को, तो आपको किन किन टेक्निकल बातों का, किन किन रेफरेंस फ्रेम का ध्यान रखना पड़ता है। सो द दिसंबर सोलस्टिस ऑल्सो नोन एज द साउदर्न सोलस्टिस इज द सोलस्टिस दैट्स अकॉर्ड ईच दिसंबर टिपिकली नियर अराउंड 21 दिसंबर बट मे वेरी बाई वन डे इन आइदर डायरेक्शन, है ना, एक दिन आगे पीछे हो जाता है जब हम ग्रेगरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर सोलस्टिस इज द विंटर सोलस्टिस, तो क्योंकि इसमें दिन छोटा होता है ना हमारे यहाँ, और उधर जाएंगे आप साउदर्न रीजन में जाएंगे तो वहां दिन बड़ा होगा। सो साउदर्न हेमिस्फेयर में ये समर सोलस्टिस जो है वो मतलब उल्टा हो जाता है ना, नॉर्दर्न और साउदर्न का जो है उल्टा हो जाता है, जैसे कि यहाँ छोटा है तो वहां बड़ा हो गया, वहां मतलब मैं साउदर्न रीजन की बात कर रहा हूँ, अर्थ का को जो अगर हम पूरा एक स्फीयर मान रहे हैं तो आधा नॉर्थ और आधा साउथ ले रहे। ओके, 21 दिसंबर इज द फर्स्ट डे ऑफ द विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कंसीडर्ड, है ना, आप देख भी सकते हैं कैसे दो दिन से सर्दी बढ़ गई है ना। फॉर एन ऑब्जर्वर एट द नॉर्थ पोल द सन रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई वंस ए ईयर इन जून, है ना, द डे दिस अकर्स कॉल्ड द जून सोलस्टिस। Similarly, for an observer on the South Pole, the sun reaches the highest point on the December solstice day. ठीक है, तो अब यहाँ पे South Pole वाले के लिए जो है sun highest position पे है ना December solstice में. Okay, so when it is the summer solstice at the one pole, it is the winter solstice at the other pole. The sun westerly motion never ceases as the Earth is continuing in the rotation. सन मोशन इन अ डेक्लिनेशन कम्स टू ए स्टॉप एट द मोमेंट ऑफ सोलस्टिस, मतलब कहने मतलब है कि वो सन स्टैंडिंग जैसी पोजीशन हो जाती है, सोलस्टिस मींस सन स्टैंडिंग। मॉडर्न साइंटिफिक वर्ड डिसेंड्स फ्रॉम अ लैटिन साइंटिफिक वर्ड इन यूज इन द लैटिन रोमन रिपब्लिक ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी, वहां से सब लिए गए हैं। सोलस्टिस वही मैंने पहले भी बोला, सोल मतलब सन और सोलस्टिस मतलब स्टॉप स्टैंडिंग। सो the relative velocity of sun appears to be just zero. relative velocity ka matlab kya hai, hamara relative velocity means the motion of an object from the point of view of an observer in a frame of reference. so from a fixed position on the ground the sun appears to orbit around the earth. so to an observer in an inertial frame of reference, hum agar inertial frame of reference ki baat kare, देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल मीन्स हम ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि जो या तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और या रेस्ट में है, मतलब जिसका एक्सेलरेशन नहीं है जिसमें। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नोन एज द इनर्शियल फ्रेम। अगर एक ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस में है, सो प्लैनेट अर्थ इज सीन टू रोटेट अबाउट टू एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल with the sun as the one of the focus, and earth axis is tilted with respect to the plane of the earth's orbit, and this axis maintains a position that changes little with respect to the background of the star. An observer on earth sees a solar path that is the result of the rotation and the revolution, dono ki wajah se aapko dikhai dete hain jitne bhi stars jitne bhi pattern dikhai de rahe hain, उनके पीछे का रीजन अर्थ की रोटेशन भी है और अर्थ का रिवॉल्यूशन भी है अराउंड द सन। ओके, ये सारी जो है बहुत ज्यादा टेक्निकल हमारी डिटेल्स हो गई है। सो सोलस्टिस अकर्स बिकॉज द एक्सिस ऑफ द अर्थ स्पिन इट्स पोलर एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल एंड दिस एंगल इज 23 डिग्री रफली। तो क्योंकि जो हमारे जो धरती है थोड़ी झुकी हुई है, बिल्कुल सीधी नहीं है धरती, थोड़ी झुकी हुई घूमती है। सो द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ स्पिन एक्सिस रिमेनली फिक्स्ड इन स्पेस एट द सर्कल अराउंड द सन, व्हाइल द अर्थ साइट इनटू द सन मूव्स थ्रू द कॉन्स्टेलेशन ऑफ द जॉडी। तो इसके रिजल्ट के थ्रू क्या होता है, कुछ समय तो क्या होता है कि अर्थ नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन
जून की तरफ, तो नॉर्थ पोल वाले नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप गर्मी फील करते हैं, और कुछ टाइम जो है ये, अगर अदर्स टाइम जो है ये दिसंबर में दें तो अवे हो जाता है, तो दिसंबर में इधर जो है सर्दी और दूसरी साइड आपको गर्मी मिलती है, दिस गिव राइज टू द अर्थ सीजंस। तो मैंने बात ये किया कि दिसंबर 21 दिसंबर को 22 में जो सोलस्टिस होगा सुबह को 3 बजे दिखाई देगा, यानी कि 22 दिसंबर को सुबह को। ओके तो इट इज द शॉर्टेस्ट डे, इन सम मंथ डेज कैन बी अप टू, ये नेक्स्ट स्लाइड है, आई होप, आई थिंक वी शुड चेंज द स्लाइड। ओके तो ये बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं, नेक्स्ट 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 स्लाइड प्लीज, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा है इसमें, आई जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज मैम, नेक्स्ट ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कैसे जो है वो मोटा मोटा मैं बताएं पब्लिक को, तो कहने का मतलब यही है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पे वो दूर हो जाएगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पे पास हो जाएगा, विंटर कॉन्स्टेलेशन, विंटर सोलस्टिस। तो द रेट ऑफ द सन्स ईस्टवर्ड मूवमेंट थ्रू द कॉन्स्टेलेशन चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, इट इज द फास्टेस्ट एट द सोलस्टिस एंड टुवर्ड्स द इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स आप सब लोग समझ गए होंगे, इक्विनॉक्स कौन सी पोजीशन है, जब जो है नियरेस्ट पोजीशन बिटवीन अर्थ एंड द सन, बिकॉज अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज नॉट अ परफेक्ट सर्किल बट इज स्लाइटली इलिप्टिकल, जैसे मैंने अभी बात की। तो जो स्पीड है ऑर्बिटल स्पीड वो पूरे साल चेंज होती रहती है, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैपलर सेकेंड लॉ अर्थ की जो है एरियल वेलोसिटी या किसी भी प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है, ना कि उसकी नॉर्मल वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाती है, यानी कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता हुआ अपनी वेलोसिटी कम या तेज कर लेता है, बट इस तरीके से मेंटेन करता है कि वो कवर इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम। तो इन दिसंबर ईच सोलर डे लास्ट फ्रैक्शनली लॉन्गर देन 24 आवर्स एंड सो द टाइम ऑफ नून मूव्स अराउंड अ मिनट लेटर ईच। The shift also affects sunrise and the sunset times and means that the latest sunrise and earliest sunset do not occur on the day of the solstice. अब कुछ normal बातें कर लेते हैं, जो non-technical चीजें हैं, कुछ कहानी के terms में बात कर लेते हैं, कुछ stories भी हैं related to the constellations। देखें जैसे कि बहुत ही फेमस स्टोरीज हैं रिलेटेड टू द बुर्सा मेजर एंड अदर कॉन्स्टेलेशंस। 3 बुर्सा मेजर एंड प्लेयाडियस इन इंडियन माइथोलॉजी, द 7 सेंट्रल स्टार्स ऑफ बुर्सा मेजर दैट फॉर्म द कप शेप इज रेफर टू द सप्तऋषि, मीनिंग द 7 सप्तऋषिज। तो यहाँ पे हमने दिखाए गए इंडियन नेम्स और डेजिग्नेशन और वेस्टर्न नेम भी दिखाए गए, क्रतु, दुभे, उलहा, मेराक, उलस्तिया, पैचडा, अत्रि, मैग्रेज, अंगिरस, एलियोहत, वशिष्ठा, मेजर, भृगु, अलकाई, ये सब ये ऋषियों के नाम है और या वेस्टर्न नेम भी दिखाए गए, वशिष्ठ, भारद्वाज, जमदाग्नि, गौतमा, अत्रि, विश्वामित्र, अगस्त्या। These 7 rishis are often mentioned in the later work as the typical representative of the character and spirit of the prehistoric and the mythical period. Astronomical designations in the name: Alpha, Uma, Beta, Mu, Ma, Delta, Epsilon.
ये कहानी है कि ए माइनर गॉडेस ऑफ अ निम्फ है ना, जिसे वांटेड टू मैरी अग्नि, शी देयरफॉर टुक द फॉर्म ऑफ सिक्स ऑफ द सेवन वाइव्स ऑफ द सप्तऋषिज एंड मैटेड विद अग्नि। ये सब कहानियां हैं, ओरिएंट से रिलेटेड भी कहानी आपको मिल जाएगी, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो प्राइमरी हिंदू कॉन्स्टेलेशन है स्टार फ्रॉम द लीजेंड्स ऑफ द वेदास, रामायण, महाभारत, द पुराण, इन सब में इसका डिस्कशन आया है, वर्णन आया है। ओरिएंट को हमारे बहुत सारी हिंदू माइथोलॉजी में बुक्स में जो है प्रजापति बोला गया है ना, काल पुरुष बोला गया, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक शेर की शेप में वो एक तलवार से मार रहा है, एक पर्सन जो है ना मारने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे दिखाया गया है ना। तो दिस कॉन्स्टेलेशन अज्यूम द फॉर्म ऑफ ए डियर इंस्टीड ऑफ ए ह्यूमन एंड लॉर्ड ऑफ द बीस्ट हु हैज सॉवरेनिटी ओवर कैटल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक पैटर्न बनाया हुआ है। द थ्री स्टार अक्रॉस द सेंटर रिप्रेजेंट द थ्री नॉटेड एरो यूज्ड टू किल द डियर, द फोर स्टार एंड द फोर कॉर्नर रिप्रेजेंट हूफ्स ऑफ द डियर, है ना, यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा ना। द फिगर वॉज ऑरिजिनली अ ह्यूमन हु वॉज क्रूल टू हिज डॉटर, द डॉटर ऑफ द काल पुरुष वॉज नेम्ड रोहिणी, ये स्टार इन अ हेलियस। तो ये कहानी है ना, एक ह्यूमन जो है अपनी डॉटर के लिए बहुत ही क्रूर हो जाता है। द डॉटर ऑफ द प्रजापति वॉज मैरो, As punishment for being cruel to his daughter, he was transformed into a beast, killed with an arrow, and placed among the stars. ये बहुत ज़्यादा famous कहानी है ना, प्रजापति कैसे अपनी बेटी के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए, तो वो सब कहानी और फिर कैसे कोई उसे मारता है वगैरह। तो कैप की बात करें ओरियन कंस्टिट्यूशन में, तो ये पिकॉक है, ठीक है, जिसे स्कंद कहा गया है। स्कंद बहुत ही फेमस नाम है, स्कंद, स्कंद पुराण भी है। द सप्तऋषि देमसेल्फ अनसर्टेन अबाउट द चेस्टिसिटी ऑफ देयर वाइव्स डाइविंग देम एंड दे वेंट इन वन टू बिकम द कृतिका और प्लियाडी। वन वाइफ अरुंधति ऑफ वशिष्ठ रिमेन लॉयल टू हर हस्बैंड, दैट इज द बाइनरी इन ओसा। तो जो कहानी में अरुंधति है, वशिष्ठ की वाइफ है जो लॉयल रहती है, वो उषा मेजर में एक बाइनरी स्टार है। तो कैसे देखिए, मैंने इतने अच्छे से जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं या जो भी बुक्स हैं ऐसे रिलेट की है कि जो को ताकि हमें याद रहे और लेमैन को भी समझ में आए। तो कहानी उसके माध्यम से एस्ट्रोनॉमी को एक कॉमन पीपल तक पहुँचाने की कोशिश की है, क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स शायद हर कोई ना समझ पाए लेकिन स्टोरीज हर कोई समझ सकता है। तो जिसे हम अरुंधति कह रहे हैं, अरुंधति और वशिष्ठा, वो जो है उर्सा मेजर में बाइनरी स्टार सिस्टम है। इन अदर वेरिएशन कृतिका और प्लियाड्स और सेवन इन नंबर्स नॉट रिलेटेड टू द सप्तऋषि एट ऑल, दे आर द मदर्स ऑफ द कार्तिकेय हु इज समटाइम्स मेंशन एज वन ऑफ द टू सन ऑफ द शिवा, बट देयर अदर सजेशन इंक्लूडिंग कार्तिकेय being the son born of Agni and the Swaha who brought up the five daughters and hence together they are called Kritika. तो कहानी है देखिए कृतिकास के बारे में कि जो कार्तिकेय हैं जो शिव के पुत्र माने जाते हैं, उनकी जो है ये छह माताएं थी, है ना। तो ये स्टोरी है, तो वो जो कृतिका नक्षत्र है वही यहाँ पे प्लियाड्स है। और पोल स्टार के बारे में सभी जानते हैं, हर भारतीय जानता है, ध्रुव तारा कहलाता है, है ना, और ध्रुव की कहानी सभी लोग जानते हैं। ध्रुव वाज बॉर्न इज सन ऑफ द किंग उत्तानपाद एंड हिज वाइफ सुनीति, द किंग आल्सो हैड अनदर सन उत्तमा, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, है ना, बॉर्न टू सेकी, एक राजा थे उत्तान, है ना, उत्तानपाद, उनकी वाइफ थी सुनीति, हाँ, और उनका एक बेटा था उत्तमा और एक बेटा था ध्रुव, और कैसे जो है लड़ाई होती है और ध्रुव बहुत छोटा होता है 5 साल का, और उसका पिता उसको गोली से उतार देते हैं। तो वो एक सीट चाहता है, तो ध्रुव जो है 5 साल का जंगल में जाता है एंड
just chant the God's name or try to search the God, और मतलब उसे जो है फिर लॉर्ड विष्णु जो है एक स्पेशल सीट देते हैं ना. तो क्योंकि उसकी माँ कहती है कि तो अपने फादर की जगह और कोई अच्छी सीट ले. तो कहता है मुझे क्या सिंहासन पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी क्या. एक स्टोरी है, आई होप आपको ये स्टोरी याद आ रही होगी कि बच्चा जो है अपने फादर के पास जाता है, उसके फादर राजा होते हैं, राजा गोदी से उतार देते हैं क्योंकि वो एक सिंहासन पर बैठे हुए थे. वो अपनी मदर के पास जाता है रोता हुआ, तो मदर कहती है तू अपने पिता तो तेरे राजा हैं, उससे भी बड़े एक राजा हैं जो कि भगवान है, लॉर्ड विष्णु है, तो उनकी गोदी में जा, उनकी गोदी में बैठना. तो जब ध्रुव विष्णु की तपस्या करता है, लॉर्ड विष्णु की, तो उसे एक स्पेसिफिक सीट दी जाती है और कहते हैं ये सीट तुम्हारी चेंज नहीं होगी. तो यहाँ पे इस कहानी का मतलब ये है कि जो ध्रुव तारा है, जो कि पोल स्टार है, उसकी पोजीशन बदलती नहीं है, उसकी पोजीशन फिक्स रहती है नॉर्थ में बहुत ही लंबे समय के बाद, ऑलमोस्ट अब से लगभग 86,400 ईयर्स के बाद में ध्रुव तारे की पोजीशन बदल जाएगी एंड वेगा हमारा नेक्स्ट पोल स्टार होगा. क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी वॉबलिंग भी करती है ना, अर्थ अर्थ सिर्फ रोटेशन ही नहीं करती, रिवॉल्यूशन ही नहीं करती, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट थोड़ी सी वॉबलिंग भी करती है. तो वॉबलिंग की वजह से जो हमारा जो पोल स्टार है वो बदल जाएगा और वेगा विल बी नेक्स्ट पोल स्टार. तो ये कहानी है पूरी, है ना. तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉरस और ग्रेट बियर का कॉन्स्टेलेशन शो किया हुआ है ना. तो बहुत सारी कहानी है जो कोई रिलेटेड है, तो मैं सारी कहानी तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना, आप लोग देख सकते हैं कहानी को, नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं. जैसे कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ. सो जी थोड़ा सा नेट आई थिंक स्लो है, वो चेंज करने में टाइम ले रहा है. देखिए यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे मैंने जो एक पिक्चर लिया हुआ है, तो इस पिक्चर में आपको कुछ पैटर्न्स विजिबल हो जाएंगे ना. सर स्लाइड नंबर आप बताएंगे, हम उसी स्लाइड पे कुछ जस्ट 26 पहली वाली से, हाँ इससे जस्ट पहले इससे ऊपर की स्लाइड, हाँ ये वाली. तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमने लिया है ये एक सॉफ्टवेयर स्टेलरी वहां से लिया है. नेक्स्ट, ओके इससे नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट जाइए. Beetlejuice. हाँ Beetlejuice. Beetlejuice. ठीक. तो जैसे मैं बता ही रहा था स्टार्टिंग से कि जो Beetlejuice का संस्कृत नाम जो है वो नमा है, जो अरुद्र, which is a name of अरुद्र lunar mansion in the Hindu astrology. तो Beetlejuice एक बहुत ही famous star है, बहुत ही famous brightest star है, ना. तो जितने भी ऑडियंस है, जो भी चाहे इसे रिकॉर्डेड सुने या फिर जो भी अभी लाइव है, वो सभी लोग जाकर के आज जाकर के जो है Beetlejuice को जरूर आइडेंटिफाई करें. और आप कभी भी जब हम कोई आप हिंदू माइथोलॉजी की कोई बुक, एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ें, तो वहाँ जब भी अरुद्र या आद्र नक्षत्र की बात हो तो मीन्स वो हम Beetlejuice की बात कर रहे हैं. तो द ऋग वैदिक गॉड ऑफ द स्टॉर्म रुद्र presided over the star. The association was linked to the Orion stormy nature of the 19th century star. So, ये Orion जो constellation है उसी के अंदर का star है.
एक्चुअली बीटलगेज जो है एक रेड सुपर जाइंट स्टार है जिसका स्पेक्ट्रल टाइप M12 है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार डिफिकल्ट टू द नेक्स्ट गाइड। देखिए जो रेड सुपर जाइंट स्टार्स होते हैं वो वॉल्यूम में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो मैंने जब लास्ट अपनी टॉक ली थी तो उसमें थोड़ा बहुत बातें की थी डिफरेंट टाइप के स्टार्स के बारे में। स्टार्स का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है स्टार्स को नेमिंग करने का, पता करने का, वाइट डॉफ स्टार्स, जाइंट स्टार्स, सुपर जाइंट स्टार्स, ये सब टेक्निकल डिटेल्स है जो आप किसी भी एस्ट्रोफिजिक्स के कोर्स में सीखेंगे। It is usually the 10th brightest star in the night sky, and after the Rigel, the second brightest in the constellation of the Orion. It is distinctly reddish, semi-regular, variable star, and a बहुत अलग-अलग इसकी variability measure करने में आई हैं. Apparent magnitude vary होता है सर 0.0 से plus 1.6 तक, and has the widest range displayed by any first magnitude star. Near infrared wavelength, Betelgeuse is the brightest star in the night sky. It is the bare designation is a Orionis, Latinized to Alpha Orionis, and abbreviated to Alpha Ori or Alpha Ori. तो आप देखेंगे next slide में हमने पूरा technical details यहाँ पे दी हुई है। अगर next slide की तरफ जाएंगे आप जरा देखें स्लाइड को, नहीं आप देखिए इसमें ऊपर की तरफ देखें तो आपको ये दिख रहा होगा बीटलगीज है ना। तो जैसा हाँ यही ये वाला है ना, बस 10-15 मिनट हम और लेंगे, थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पूरे डिटेल्स दी गई है ना, ठीक है, यहाँ पूरा दिखाया गया है। देखिए कि कैसे 21 दिसंबर को आपको 9 बजे है ना ये सब चीजें दिखाई देंगी आपको। सीरियस दिखेगा, सीरियस की बात मैं अभी करूंगा, है ना। रीगल दिखेगा, मार्स तो प्लेनेट है, बीटलगीज डायरेक्ट आपको दिख जाएगा ना। ये दिल्ली में देखो क्या आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का ये यहीं का ना, आप कहीं पर भी देखेंगे आपको ये दिख जाएंगे। ये जो यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाया गया है तो सीरियस, बीटलगीज, रीगल ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। सीरियस की बात करें, क्योंकि बीटलगीज की बात करिए, सीरियस की बात करते हैं, तो सीरियस स्टार सिस्टम जो है वो फिफ्थ नियरेस्ट स्टार सिस्टम है अर्थ से, एंड इट कंटेन्स टू ऑफ द 8 नियरेस्ट स्टार्स, अल्फा सेंचुरी, ओके। और सीरियस जो है बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसके दो स्टार हैं, सीरियस ए है, ये व्हाइट मेन सीक्वेंस स्टार है, और सीरियस बी है जो व्हाइट ऑफ स्टार है, ठीक है। और इसका निक नेम जो है पप है। सीरियस बी जो है, सीरियस बी इज द नियरेस्ट नोन व्हाइट ऑफ स्टार टू द सन, सन के नजदीक में सबसे नोन व्हाइट ऑफ स्टार है। सीरियस ए एंड सीरियस बी ऑर्बिट ईच अदर एवरी 50 ईयर्स एट ए डिस्टेंस बिटवीन 8 to 31 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब होता है अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो सीरियस ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है लगभग वो 8 से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और ये
50 साल लेता है लगभग लगभग, है ना। ओके सो ये कुछ टेक्निकल डिटेल हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अगर आप देखेंगे। सो दे हैव बीन मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर सिंस द लास्ट पेरिस्ट्रॉन इन 1994, सीरियस ए एंड सीरियस बी आर इजी टू रिजॉल्व। The average separation between the two stars is about 20 astronomical unit. मैंने बताया astronomical unit मतलब distance between sun and earth. 15 करोड़ किलोमीटर को बोलते हैं one astronomical unit. 15 करोड़ किलोमीटर की जो distance है उसे हम बोलते हैं one astronomical unit. और दोनों stars जो Sirius A और Sirius series B की बात कर रहे हैं, उनके बीच की जो distance है वो लगभग 20 astronomical unit है, है ना? जो roughly sun और Uranus के बीच की distance के बराबर है। तो जो स्टार जो है सबसे दूर था 2019 में और क्लोजेस्ट अप्रोच होगी उसकी 2044। तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने एक व्यू दिखाया हुआ है ना, ये आज का ही व्यू है। और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद और डिटेल हमने कही। देखिए सीरियस के बारे में थोड़ा सा और बताया गया है हमने। सो सीरियस ए जो स्टार है रफली ट्वाइस द सन मास, सन के मास का लगभग लगभग दुगना होता है इसके अंदर, सन की रेडियस का लगभग लगभग 1.7 टाइम्स है, है ना। तो मैं क्यों कर रहा हूँ उसकी बात, क्योंकि ये आपको दिसंबर महीने में विंटर सोल्स्टिस में विजिबल स्टार है। बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन विजिबल है, तो उसमें जो कॉन्स्टेलेशन है उसमें हमने ओरियन की बात करी और कुछ कॉन्स्टेलेशन की बात करी जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है। उसमें ओरियन में भी जो मैंने जो है बीटलगीज़ एक स्टार की बात करी, है ना। और मैं सीरियस की बात कर रहा हूँ, सीरियस ए एंड बी जो एक बाइनरी स्टार है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सो इसकी आप देख सकते हैं इसका मास ना, सन से दुगना, इसकी रेडियस, है ना। एंड इसकी जो एस्टिमेटेड एज है लगभग लगभग 237 टू 247 मिलियन ईयर्स है, विच मेक द स्टार कंसिडरेबली यंगर देन द सन, क्योंकि सन की एज 4.6 बिलियन ईयर है। इसका जो विजुअल मैग्नीट्यूड है वो -1.4 है, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड +1.4 है, एस्टिमेटेड सरफेस टेम्परेचर 9940 केल्विन है, रोटेशनल वेलोसिटी 16 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये एक मेटालिक लाइन स्टार है, एएम स्टार, इस थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स हो गई। और इट हैज 316% ऑफ द सन्स अबंडेंस ऑफ आयरन, सन से ज्यादा इसमें आयरन की अबंडेंस ज्यादा है। आयरन की बात क्यों करते हैं, देखिए आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, है ना। जब हम न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखते हैं इन न्यूक्लियर फिजिक्स, तो पता चलेगा कि जो आयरन है सबसे ज्यादा, आयरन का न्यूक्लियस सबसे मोस्ट स्टेबल है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आयरन न्यूक्लियस इज द मैक्सिमम, इज ऑलमोस्ट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो कोई भी स्टार के अंदर जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है तो आयरन पे जाकर के स्टॉप हो जाती है वो रिएक्शन। आयरन के जो से ऊपर जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसे नहीं बनते, वो सुपरनोवा नोवा एक्सप्लोजन के समय में बनते हैं। सो स्टार स्पेक्ट्रल लाइन है इसकी A0M A1, है ना। और इसे क्लासिफाई करते हैं A1 बेस्ड, है ना, ऑन इट्स हाइड्रोजन हीलियम लाइंस, ठीक है। तो बहुत से टेक्निकल डिटेल्स हैं। सो बी स्टार को देखें हम, तो ये थोड़ा छोटा है और फेंटर है, और इट इज द वन ऑफ द मोर मासिव वाइट ऑफ स्टार जो अब तक डिस्कवर हुए हैं। और बी स्टार जो है ये इसका अपेरेंट मैग्नीट्यूड 8.44 है, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 11.18 है, और मास सन के मास लगभग बराबर है, और रेडियस बहुत कम है इसकी। इन अदर वर्ड्स इट इज द मास ऑफ द सन पैक्ड इनटू द साइज ऑफ द अर्थ, कि सन का मास को अगर आप अर्थ के साइज में पैक कर दे तो ऐसा सिस्टम है। उसका सरफेस टेम्परेचर भी ज्यादा है बी स्टार का, है ना, और थोड़ा डिक्रीज हो रहा है ना। इसकी जो एज है लगभग 228 मिलियन ईयर्स बताई गई है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं हमारी, बहुत अमेजिंग स्टार है ये।
तो ये ब्लूइश व्हाइट स्टार है, लॉक्ड इन एन एलिप्टिकल 9.1 ईयर ऑर्बिट. ओरिजिनली ये बी टाइप स्टार विच एन एस्टिमेटेड मास ऑफ 5 सोलर मासेस, देन इवॉल्व फ्रॉम द मेन सीक्वेंस. ठीक है, ये सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया, ये डायरेक्टली जो ऑब्जर्व हुआ है वो 1862 में हुआ है, उससे पहले डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हुआ था. बी टाइप स्टार में क्लासिफाई हमने इसे किया है. ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निकल डिटेल हैं. ये एक वाइड ऑफ स्टार है ना, ओके. तो ये सारी टेक्निकल सीरीज जो है कैन समटाइम्स बी सीन इन द डे लाइट फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड्स व्हेन द स्काई इज क्लियर इनफ द सन इज अबाउट टू सेट. ये बहुत ही स्लोली मूविंग हो रहा है टूवर्ड्स अस. प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, और एक नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं आप, एक स्लाइड पे और हम जा सकते हैं. Yes, thank you. बस इससे पहले का जाए तो ज्यादा बेटर होगा. तो ये बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं हमारे इस स्टार के बारे में. बहुत ज्यादा ब्राइट स्टार है सीरियस जो है. तो इसके जो नेबर हैं वो कैनिस मेजर है. सेवनटीन में जो इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर हैं एडमंड हेले, उन्होंने इसकी जो मोशन है प्रॉपर मोशन ऑफ स्टार मेजर किया. ठीक है, तो इसकी जो मोशन है अप्रोचिंग टूवर्ड्स द सोलर सिस्टम विद 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड. कोई स्टार कैसे हमारी तरफ आ रहा है या हमारे से दूर जा रहा है, ये हम पता करते हैं डॉपलर इफेक्ट से. अगर किसी स्टार से आने वाली लाइट रेड शिफ्टेड है तो वो स्टार हमसे दूर जा रहा होता है, और किसी स्टार से आने वाली लाइट अगर ब्लू शिफ्टेड है तो वो हमारी तरफ आ रहा होता है. तो ये स्टार हमारा बहुत ही यंग है ना, इसे बहुत ही यंग स्टार हम मानते हैं. तो ये आज की टॉक की टोटल कुल मिलाकर के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी को जिन्होंने मुझे इतनी धैर्य से सुना. तो हमने जो मेन डिस्कशन किया है आज की टॉक में, वो बिटलगेज सीरीज और इनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज का ही किया है, और मैं लास्ट में आपको स्टेलियम सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा जहाँ से मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी. मेरी स्क्रीन अभी भी विजिबल है क्या? ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है क्या सभी को? नहीं, अभी विजिबल नहीं है सर. आपने स्क्रीन शेयर कर लिया है? कर तो लिया है. अभी हम आपकी सिर्फ जो लास्ट स्लाइड है थैंक यू वाली वो देख पा रहे हैं. ठीक है, मैं अभी देख. जी अब दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? सॉरी, मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रहा है. चलिए मैं ऐसे आपको लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ना क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने लैपटॉप में या अपने फोन में स्टेलेरियम नाम का एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं. और उसमें अगर आप जाएंगे सर्च में जाएंगे तो आप सर्च में जाकर के देख सकते हैं कि आज
कौन कौन से जो स्टार्स हैं वो या कौन कौन से कॉन्स्टेलेशन से आपको वो विजिबल होंगे, और जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनका साइज क्या है, वो सब आप देख सकते हैं। तो हमारी आज की टॉक में हमने दिसंबर महीने में या विंटर कॉन्स्टेलेशंस जो हमें दिखते हैं उसके बारे में बात करी, और हमारा जो मेन जो बातें रही वो रही नॉर्मल कहानियाँ जो कॉन्स्टेलेशन से रिलेटेड हैं, और बिटलगीज़ और सीरीज ए एंड बी डाले उनकी थोड़ी सी टेक्निकल बातें हमने की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आपके कोई प्रश्न है क्वेश्चन हैं तो आप जी। थैंक यू राहुल सर फॉर शेयरिंग सच इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, और बिकॉज हमारा बहुत आज टेक्निकल इशू भी रहा तो थोड़ा सा डिले चल रहे थे, पर स्टिल टॉक सबको आई रियली होप दैट वेल रिसीव्ड हो। वी गॉट वन थैंक यू by Amit Dikshit ji, an amazing opportunity as well, great initiative, congratulations to our respected team members, and thank you Amit ji for attending this session, because aap logo ke liye ye program kiye jate hain, people take active participation in that, really make worth of our venture. So anybody have any question to ask, we can spare some time और हम उस पर बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। तो अगर आपके कुछ भी मन में आ रहा है आज की प्रेजेंटेशन, आज के टॉपिक से रिलेटेड, आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और वहां से हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। और नेक्स्ट टाइम हम चाहें हम कोशिश करेंगे कि ये और अच्छा जो है हम ये टॉक्स जो है ऑफलाइन ऑर्गेनाइज कराएं, अगर सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल अब तो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हट गई है, डेफिनेटली इन कमिंग टाइम हम इसको ऑफलाइन मोड पे, बिकॉज टुडे आल्सो आई लाइक टू टेल यू दैट नेहरू प्लैनेटेरियम जो है इन कमिंग टाइम लाइक इन जनवरी, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स 3D अपग्रेड हो रहा है। सो फॉर अ टाइम बीइंग प्लैनेटेरियम शट डाउन रहेगा जनवरी के मंथ में, और सून आफ्टर मंथ 40 days आई थिंक 40 दिन के बाद हमें नए शोज देखने को मिलेंगे 3D। अभी 2D पे चल रहे थे तो काफी कुछ अपग्रेड हो जाएगा, इनडेफिनेटली इन कमिंग टाइम प्लैनेटेरियम में बहुत कुछ न्यू इनोवेशंस होंगे, तो हम डेफिनेटली ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए कुछ ऐसे सेशन ऑर्गेनाइज कराएंगे जहां पब्लिक कैन कम टू द प्लैनेटेरियम एंड वी कैन हैव इन फेस इंटरेक्शन एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक्स पे एंड सम हैंड्स ऑन लर्निंग। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स कल हमारा एक वेबिनार है ऑन विंटर सॉल्स्टिस, और साथ ही हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो एक इनवाइट कर रहे हैं जिसमें एनी बीएससी साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी साइंस से है और उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जंतर मंतर रेस्टोरेशन, जो डॉक्टर रत्नाश्री मैडम का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था उस पर काम करना, तो हम उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड कि जितने बच्चे उस पर इंटरेस्टेड है वो अप्लाई करें और इस हैंड्स ऑन लर्निंग का फायदा उठाएं, और आई थिंक ये एक ट्रू सेंस में डॉक्टर एन रत्नश्री को ट्रिब्यूट होगा। अगर आप कुछ इन आंकड़ों से समझ सकें और एस्ट्रोनॉमी और पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी स्पेसिफिकली उसको समझ सकें तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए, और ये 5-6 months का ये प्रोजेक्ट चलेगा जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कुछ लर्निंग्स मिलेंगे। सो आई थिंक इफ मीनवाइल हमें कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में नहीं आया है, सो आई प्रिज्यूम द टॉपिक यू हैव रिसीव्ड वेल, एंड डेफिनेटली हम राहुल सर आपको फ्यूचर में देखना चाहेंगे प्लैनेटेरियम में आगे ऐसे बहुत से टॉपिक को एक्सप्लोर करते हुए। सो डिस्पाइट ऑफ टेक्निकल ग्लिच आई थिंक वी मैनेज्ड वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस सर, or definitely look forward to work more with you. Thank you everyone, thank you for your time and patience.